यदि आप कभी गुजरात में अहमदाबाद घूमने जाए तो लाल दरवाजा के पास स्थित लकी रेस्टोरेंट में जाके खाने पीने का लुत्फ जरूर लीजिएगा। यह एक अनोखा रेस्टोरेंट है। इसकी खासियत इसमें बनी 12 कब्रें हैं। यह सुनके आप एक बार जरूर चौंकेंगे कि कब्रें और रेस्टोरेंट एक साथ, लेकिन यह हकीकत है। न्यू लकी रेस्टोरेंट एक बहुत पुराने कब्रिस्तान पर बना है। इस रेस्टोरेंट के मालिक कृष्णन कुट्टी है। कृष्णन कुट्टी ने जब पुराने कब्रिस्तान पर रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोचा तो उन्होंने कब्रों को हटाने के बजाय उनके चारों ओर कुर्सी मेज लगाने का फैसला किया। यह कब्रें पुराने मुस्लिम कब्रिस्तान की हैं और आज यह जगह बूढ़े और जवान लोगों के लिए खाने पीने का मशहूर अड्डा बन गई है। कुट्टी कहते हैं, कब्र अच्छी किस्मत लेकर आती है। इन कब्रों की वजह से हमारा बिजनेस फल फूल रहा है। यहाँ आकर लोगों को अनूठा अनुभव मिलता है। कब्रें पहले जैसी थीं अब भी वैसी ही हैं। हमारे ग्राहकों को इससे कोई आपत्ति नहीं। रेस्टोरेंट खुलते ही साफ सफाई के बाद सबसे पहले इन कब्रों पर फूल और चादर चढ़ाई जाती है। रेस्टोरेंट के साथ इन कब्रों को भी सजाया गया है। कृष्णन का कहना है कि यहाँ साल 2004 में विख्यात चित्रकार मिर्च हुसैन भी आए थे और उन्होंने एक चित्र बनाकर उन्हें भेंट किया था। कब्रें किन लोगों की हैं इस बारे में रेस्टोरेंट के मालिक को कुछ खास नहीं पता है। नहीं कुछ स्थान या लोगों का दावा है कि यह कब्रें 16वीं सदी के सूफी संत के शिष्यों की हैं। रेस्टोरेंट के पास में ही सूफी की दरगाह है। रेस्टोरेंट के अंदर करीब दर्जन भर कब्रें हैं जिनके चारों ओर लोहे की छड़ें लगाई गई हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।